everybody, welcome back to my channel Rajbir Fitness Series. This is me Rajbir Sisodia, and today we are going to talk about what should we eat before workout or in pre-workout, or what should we eat after workout. मतलब कि वर्कआउट से पहले क्या खाएं और वर्कआउट के बाद क्या खाएं. बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि वर्कआउट करने से पहले क्या खाएं, और बहुत लोग क्या करते हैं, भूखे पेट वर्कआउट कर लेते हैं जिससे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते अपने वर्कआउट में अच्छे से. एक घंटे घर से सोच के जाते हैं कि 6 एक्सरसाइज करूँगा, 7 एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन वहाँ जाके 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद उनकी बैंड बच जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है. तो वो क्यों हो जाता है, बिकॉज वी टेक लेस कार्ब्स. तो हमारी बॉडी को एनर्जी की सोर्स की ज़रूरत होती है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स. जी हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि हम तो वेट लॉस करने पर हैं या हम मसल गेन करना चाहते हैं, तो कार्ब्स हमारा फैट बढ़ा देगा, तो कार्ब्स नहीं खाते. तो ये सबसे बड़ी गलती सारे लोग करते हैं जो लोग कार्ब्स नहीं खाते. तो मैं उन लोगों को बता दूं, कार्ब्स खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मसल बिल्डिंग पर हो या फैट लॉस प्रोग्राम पर हो, कोई भी प्रोग्राम है, आपको कार्ब्स खाना बहुत ज़रूरी है. तो क्या खाएं वर्कआउट से पहले, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम पर हो तो भी, और वेट मसल गेनिंग प्रोग्राम पर हो तो भी, तो आपको क्या खाना है वर्कआउट से आधे घंटे पहले, फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स खाना है, जो कि आप कार्ब्स खाएं और आपके टमी में ब्लोटिंग भी ना हो, कि वर्कआउट के दौरान आपका पेट भरा भरा भी ना लगे और आपको एनर्जी भी पूरी मिल जाए. तो ऐसे हमें फूड्स ढूंढने हैं कि जो हमारे फटाफट से डाइजेस्ट भी हो जाए और हमें एनर्जी भी मिल जाए और हमारी ब्लोटिंग भी ना हो. तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है क्या खा सकते हैं. तो गाइज, आपको वर्कआउट करने से पहले आधे घंटे पहले मैं आपको 5-6 वेरिएशंस दे देता हूँ, ताकि आप रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा के बोर ना हो. वर्कआउट करने से आधा घंटा पहले आप 2-3 उबले हुए आलू खा सकते हैं दही के साथ, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लोटिंग भी नहीं होती है. या फिर स्वीट पोटैटो, जिसको बोलते हैं हम शकरकंदी, वो भी खा सकते हैं. अगर आपके पास ये नहीं है या आप ये खा चुके हो, बोर होते हो, तो 2-3 आप बनाना भी खा सकते हैं, केले खा सकते हैं, या फिर आप 2-3 ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर लगाकर, ब्राउन ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगाइए 2-3, बहुत ज़्यादा पीनट बटर भी नहीं लगाना है, क्योंकि कार्ब्स जो हमें चाहिए वो हमें ब्राउन ब्रेड से हमारे मिल जाएगा. बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पीनट बटर लगा लेते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है. 2-3 ब्राउन ब्रेड लेने हैं और उस पर पीनट बटर लगाना है, खा लेना है. या फिर जो लोग मसल गेनिंग प्रोग्राम पर हैं, वो बनाना शेक भी ले सकते हैं, चीकू शेक भी ले सकते हैं, और आप दलिया भी ले सकते हैं. और जो लोग मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो वो 1.5 घंटा पहले 1 घंटा पहले अपना नॉर्मल दाल के साथ 2-3 रोटी खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर ब्राउन राइस, एक कटोरी राइस, थोड़ी सी दाल या थोड़ी सी सोयाबीन, या कोई भी आपका राजमा या पनीर जो भी आपके घर में है उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट डाइजेस्ट होता है, तो इसको आप कम से कम 1 घंटा पहले खा लें. तो ये तो हो गई हमारी प्री वर्कआउट मील. सारे लोगों का आई होप कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि वर्कआउट से पहले क्या खाएं. तो अब आती है हमारी बात कि वर्कआउट के बाद क्या खाएं. तो गाइज, अगर आप लोग मसल बिल्डिंग प्रोग्राम पर हो तो वर्कआउट के बाद आपको क्या लेना है. सबसे पहले आप अगर मसल बिल्डिंग प्रोग्राम पर हो, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पतले और आप वेट गेनर या मसल मास गेनर यूज़ करते हैं, तो वर्कआउट के तुरंत बाद आपको शेक पीना है अपना मसल मास गेनर 2-3 किलो के साथ. और जो लोग थोड़ी बहुत उनके बॉडी पर फैट है और वो लोग प्रोटीन, जैसे मैंने आपको फूड सप्लीमेंट स्टैक बताया, अगर आप लोग ले रहे हैं अपना वे प्रोटीन या कोई भी ब्लेंड प्रोटीन, तो आप अपना वर्कआउट के तुरंत बाद अपना वे प्रोटीन लें. उसके साथ आपको क्या करना है, आप अपना चिकन मटन कुछ भी हाई कार्ब्स. अब क्या करना है, जो लोग मसल बिल्डिंग पर हैं उनको वर्कआउट के बाद अपनी कैलोरीज थोड़ी सी हाई रखनी है, थोड़ा सा कार्ब्स हाई रखना है. फैट लॉस वाले जो उनका मैं बताने वाला हूँ अभी, पहले अभी हम मसल बिल्डिंग की बात करें, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको थोड़ी सी कैलोरीज सरप्लस में खानी है और आपको थोड़े कार्ब्स एक्स्ट्रा खाने हैं. तो हाई कार्ब्स वाला खाना हमें खाना है. वर्कआउट ख़त्म हुआ हमारा, हमने अपना शेक लिया, उसके आधे घंटे बाद प्रॉपर हमें अपना लंच, अगर आप सुबह जिम जाते हो तो अपना प्रॉपर लंच करना है, अगर आप शाम को जिम जाते हो तो प्रॉपर डिनर करना है. तो कैसे करना है, अपना शेक लेने के बाद अच्छी सी मील लेंगे, जिसके अंदर अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो कोई भी चिकन आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस की एक प्लेट या एक बाउल आप ले सकते हैं, मटन आप ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोई भी अपनी एक ब्राउन राइस की बाउल लेंगे और उसके साथ दाल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कार्ब्स खाना है वर्कआउट के बाद. अच्छा, तो एक तो मील आपकी हो गई. और अगर आप चावल खा खा के रोज थक चुके हैं, तो अपना नॉर्मल 3-4 चपाती विद दाल
या अपना कोई भी राजमा या सोयाबीन की सब्जी या कोई भी पनीर की सब्जी के साथ आप अपनी नॉर्मल 3 से 4 चपाती खा सकते हैं। आप मेक श्योर थोड़ा सा जितना भी आप पहले खाते थे, अगर आप मसल बिल्डिंग पर हैं और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, मसल ग्रो नहीं कर रही है, तो मेक श्योर आपको अपनी डाइट में वेरिएशन करना पड़ेगा। जितना भी आप खाना पहले से खाते थे उससे थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। अगर आप 1 कटोरी चावल खाते थे तो आपको 2 कटोरी चावल खाने हैं, अगर आप 4 रोटी खाते थे तो आपको 5 खाने, बिकॉज हमारी बॉडी हर चीज़ की हैबिचुअल हो जाती है। अगर हम 4 रोटी खाते आए 1 साल से, तो जितना हमारी बॉडी को ग्रो करना था वो कर चुकी 4 रोटियों से, तो हमें क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी डाइट बढ़ानी है। तो अभी करते हैं हम अपने हमारे वेट रिडक्शन वाले लोगों की बात, जो कि 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं, बॉडी लीन करना चाहते हैं या वेट घटाना चाहते हैं। तो वेट रिडक्शन वाले लोग क्या खाएंगे, हम लोगों को वेट रिडक्शन वाले लोगों को ध्यान में ये रखना है कि जब आपका वर्कआउट खत्म होगा तो आई वुड रिकमेंड सबको, जो लोग भी वेट रिडक्शन पे हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो अपना वे प्रोटीन जो लेंगे आइसोलेट प्रोटीन लेंगे, वे आइसोलेट प्रोटीन, बिकॉज हमें हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें एक तो कैलोरीज कम खानी है और दूसरा हमें कार्ब्स कम खाना है। कार्ब्स कम खाना है, सुन लीजिए बात, कार्ब्स कम खाना है, बंद नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वेट रिडक्शन पे कार्ब्स खाना बंद कर देते हैं, जिससे कि फिर वेट रिडक्शन रिड्यूस करते करते बहुत सूखे से हो जाते हैं, 6 पैक्स आ भी जाते हैं तो शर्ट पहनते हैं वो दिखते नहीं है, ऐसे लगता है बहुत सूखा सा कोई बंदा है। तो वो वाली बॉडी हम लोगों को नहीं बनानी है, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी। तो मेक श्योर आप जब भी अपना वर्कआउट ख़त्म करें तो अपना आइसोलेट प्रोटीन का शेक लें, देन उसके बाद 6 से 8 अंडे एग वाइट खाएं, या फिर उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड के साथ थोड़ा सा ग्रिल चिकन ले सकते हैं, या ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं चिकन के साथ, या आप, मैं वेरिएशंस इसलिए दे देता हूँ हर चीज़ में, हमेशा जो भी डाइट वीडियो बनाता हूँ उसमें वेरिएशंस इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ें खा चुके हैं और खा खा के थक चुके हैं, तो दैट्स वाई मैं वेरिएशंस देता हूँ कि आप लोग बोर ना हो। ऐसे होता है ना कि अगर हम अंडे रोज़ खा रहे हैं तो कितने दिन खा लेंगे, इंसान बोर हो जाता है, तो अभी कुछ नया चाहिए। गाइस 6 से 8 एग वाइट आप खाएंगे, या फिर ऑमलेट भी खा सकते हैं 2 ब्राउन ब्रेड के साथ, थोड़ा सा काप जाएगा, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ग्रिल फिश खा सकते हैं, ग्रिल चिकन खा सकते हैं। मेक श्योर ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू काप्स, काप्स कम प्रोटीन ज़्यादा। काप्स हम खाएंगे, हमारी बॉडी वेट इंटू ग्राम्स, सपोज करो मेरा 70 किलो वेट है तो मुझे खाना है 70 इंटू 2, मतलब कि 140 ग्राम काप्स। तो 140 ग्राम सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो आप दिन में 4-6 ब्राउन ब्रेड खा लोगे और एक बाउल राइस खा लोगे तो ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा काप्स नहीं खाना है। आप ग्रिल फिश खा सकते हैं, ग्रिल चिकन खा सकते हैं, या फिर आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप अपना वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं, आप अपनी बॉइल्ड दाल ले सकते हैं वर्कआउट के बाद, अपना दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, और जो लोग सैलड खा सकते हैं चिकन सैलड वो लोग चिकन सैलड खा सकते हैं, और जो लोग वेजिटेबल सैलड खा सकते हैं वो वेजिटेबल सैलड खा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्री वर्कआउट मील्स जो कि मैंने बताई है वेरिएशंस के साथ, और पोस्ट वर्कआउट मील्स इफ़ यू आर ऑन गेनिंग, तो जो मैंने बताया है प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, कन्फ्यूज मत होइए। मुझे कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दीजिए, और अभी भी किसी का कन्फ्यूजन अगर है तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ शेड्यूल में मेरे साथ आए हुए हैं मेरे बोलो ऐप पर, जो लोग मुझसे 1-to-1 वीडियो कॉल सेशन करना चाहते हैं, जिन लोगों की कोई भी परेशानी है अपने मसल गेनिंग को लेके या वेट रिडक्शन को लेके, वो लोग बोलो ऐप डाउनलोड करें, बोलो ऐप पर मेरे प्रोफाइल पर मेरे साथ वीडियो कॉल सेशन करें, जैसा कि 10-15-20 लोग मेरे साथ कर चुके हैं और कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं मेरे साथ वीडियो कॉल्स, मुझे दिन में 10-12 लोग कर रहे हैं, तो आई फील वेरी गुड, उन लोगों को भी अच्छा लगता है बात करके और अपनी प्रॉब्लम्स लेके। अब क्या होता है कि ये जो हम वीडियोस बनाते हैं वो हर इंसान के लिए बनाते हैं कि हर इंसान फॉलो कर सकता है, बहुत मोटी मोटी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन बहुत सी बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हर इंसान सेम चीज़ फॉलो नहीं कर सकता। किसी का कुछ डाउट है कि मैं तो सर गेनर भी नहीं खा रहा, मैं तो प्रोटीन भी नहीं खा रहा क्योंकि मेरी बॉडी पर थोड़ा ज़्यादा फैट है, मेरा पेट निकला हुआ है लेकिन मेरे आर्म्स बहुत पतले हैं। जो लोग परेशान हैं बोलो ऐप पर आएँ, मेरे साथ वीडियो कॉल सेशन बुक करें, 1-to-1 मुझसे बात करें, जो भी क्वेरी है आई एम ऑलवेज रेडी टू यू नो फिक्स योर क्वेरीज, और ऐसे ही मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं। 18 तारीख आने वाली है, वर्कआउट हमारा चेंज होने वाला है, तो गाइज आई होप गेनिंग सीरीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं वर्कआउट वीडियोज़, डाइट वीडियोज़, वर्कआउट से पहले क्या खाएं बाद में क्या खाएं वो भी आज क्लियर हो गया, तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। गाइज अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइज ऐसे ही प्यार देते रहिए, थैंक यू सो मच 50,000
सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरा ना ये मेरा कोई मोटिव था कि मुझे यूट्यूब पर टिके रहना है, बहुत छोटे से रीज़न के लिए चैनल बनाया था, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। तो गाइज अब मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीते रहो पेप्सी, जीते रहो सेक्स।